थोड़ा फीलिंग आधा रख ली ते आन वे करे ना के तू एक एहसान वे ए उम्मीद कदे साथ नहीं ओ छड़ेगा जान बढ़ के तो जान नहीं ओ कटेगा मासूमियत लुट जे गई। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज वो दोस्त तो डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे जिनको मेकअप करना अच्छा लगता है। मैंने ये बहुत ही ज़्यादा आसान मेकअप लुक क्रिएट की है स्पेशली करवा चौथ के लिए, पर आप इसको किसी भी ओकेजन पर क्रिएट कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा आसान है और यूनिवर्सल है, आप किसी भी आउटफिट के साथ इसको पेयर कर सकते हैं। बस आपको अपनी लिप शेड्स चेंज करने हैं जैसा भी आप आउटफिट पहन रहे हैं, और यस, आप इस लुक का मज़ा ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एंड आई रियली होप कि मेरी मेकअप वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये लुक को कैसे क्रिएट किया है लेस देन 20 मिनट्स में, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। और मैंने प्राइमर लगाया है जो कि बहुत छोटू सा है मेरे पास। ये है एक्चुअली सैम्पल, है बेनिफिट का द प्रोफेशनल हाइड्रेटिंग प्राइमर। इसका मैंने मेरे प्रॉब्लम एंड पोर्स वाले एरिए पर लगा लिया है। अब बिकेज ये अफोर्डेबल है तो हम यूज़ करेंगे वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। ये बहुत अफोर्डेबल एंड अच्छा है एंड इसके शेड का नाम है डेजर्ट बेज। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि तुम कभी कंसीलर पहले लगा लेते हो कभी कुछ, कोई रूल नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें। कंसीलर लगाना चाहते हैं लगाए, फाउंडेशन लगाना चाहते हैं तो लगाए। सो मैं ये फाउंडेशन को लेके मेरे प्रॉब्लम वाले एरिया पर लगाने वाली हूँ एंड थोड़ा सा चिन पे। अब वैसे तो मैं क्या करती हूँ कि इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, आई मेकअप कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सेटल हो जाए, तब मैं ब्लेंड करूँगी तो ज़्यादा अच्छी कवरेज आती है। या ऐसे ही करते हैं सर, अभी भी ऐसे ही करते हैं। आई मेकअप हम बहुत ज़्यादा ईजी करना चाहेंगे आज। NYX का कंसीलर ले रही हूँ HD, जिसके शेड का नाम है 04। ये थोड़ा लाइट कंसीलर है इसलिए ताकि पिगमेंटेशन अच्छी आए, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो उसमें भी हेल्प हो जाए। ज़्यादा नहीं करेंगे, वैसे हाईलाइट हम करेंगे फाउंडेशन के बाद। अब छोटा ब्रश लेके इस कंसीलर को ब्लेंड कर लेते हैं। सो हम यूज़ करेंगे मॉर्फी की जैकलिन हिल पैलेट, जिसकी हालत आप देखें कितनी ख़राब हो रही है। सो इसी को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला जो मैं शेड लूँगी वो है दिस वन, जो कि ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल मेरी स्किन की तरह का कलर है, इससे क्या होगा कि क्रीज तैयार हो जाएगी किसी भी रंग के लिए। तो हमने इसको लगाया हमारी क्रीज में ताकि जब अगला कोई शेड लगाएं वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। फाउंडेशन अभी भी हमारी वेट कर रहा है वहीं पर रह के। और लाइट अगला ब्रश मैं कुछ इस तरह का यूज़ करूँगी। सो ये जो ब्राउन शेड है इसे मैं मेरी क्रीज को थोड़ा डीप कर लूँगी। ये ब्रश इसलिए क्योंकि इससे फिर चीज़ें इधर उधर नहीं होती हैं। सो हम हमारी क्रीज को थोड़ा डीप करेंगे, आप बड़े ब्रश से ही ब्लेंड कर लेंगे। सो अगर आप इसको थोड़ा और डीप करना चाहते हैं तो डार्क ब्राउन यूज़ कर लेंगे ये वाला, थोड़ा सा डीपनेस देने के लिए। सेम छोटे ब्रश के साथ सिर्फ हम आउटर कॉर्नर में लगा के अंदर की तरफ ब्लेंड कर देंगे। ये जो लुक है मोस्टली हर एक आउटफिट के साथ जा सकती है, जितना भी आपको स्मोकी करना उतना करें। एंड अगेन सेम ब्रश के साथ, अगर आप इस पर और कोई कलर ऐड करना चाहते हैं तो शौक से करें, पर बिकॉज हम इजी रखना चाहते तो ऐसे रखेंगे। अब हम गोल्ड शेड लगाएंगे, कोई भी जो भी आपको शिमरी शेड अच्छा लगता है। मैं दिस वन के साथ जाना चाहूँगी, फिंगर पर लेके जो भी एरिया खाली है उस पर लगा लेंगे हम लाइक दिस। थोड़ा सा हम हमारी लिड के ऊपर भी लगाएंगे, मिडल में, अंदर के तरफ से बाहर लेके आएंगे फिंगर के साथ ही। इसी तरह इस तरफ हम इन शेड्स के साथ प्लेस ले कर रहे हैं क्योंकि ये मोस्टली हर एक के साथ जाता है। इनको मैनेज करना बहुत आसान है और मोस्टली हर एक पैलेट में ये रंग होते हैं। सो अब हम फिर से ब्लेंड करेंगे, अभी भी हमारा जो फाउंडेशन है हमारी वेट कर रहा है। सो आई मेकअप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेते हैं। ये वाला ब्रश यूज़ करूँगी मैं और मॉर्फी E44। वैसे ये काम आप हर फाउंडेशन के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है तो वहीं पर ड्राई हो जाएगा। ये जो स्टेप है अगर मैं इस फाउंडेशन के साथ यूज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कवरेज आती है और मेरा फेस फ्लॉलेस दिखना शुरू हो जाता है एक ही बार में। सो ये स्टेप आप
हर एक किस्म के फाउंडेशन के साथ नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ मेक श्योर करें आप फाउंडेशन लगा लेंगे और बाद में वो हिलेगा भी नहीं। ऑल राइट, वंस दिस स्टेप इज़ डन, अब मैं मेरे फेस को हाईलाइट करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ निक्स का HD नंबर CW04। इसको ब्लेंड करने के लिए छोटा ही ब्रश यूज़ करेंगे। हाईलाइटनिंग पार्ट के बाद मुझे नहीं लग रहा कि मुझे और ज़्यादा कंसीलिंग की ज़रूरत है, तो हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। हमें इसे पाउडर से सेट करना है, पर मैं चाहती हूँ कि फाउंडेशन थोड़ा सेट हो जाए, लाइक कंसीलर सेट हो जाए एकदम। अगर बिना सेट हुए पे लगाते हैं तो क्या होता है कि केकी लगना शुरू हो जाता है फेस। सो अब मैं आईब्रोज को कर लेती हूँ। उसके लिए ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो मैं लॉरियल के आईब्रो जेल के साथ आया है। ये बहुत ज़्यादा शार्प सा ब्रश है, ये बहुत मज़ेदार लगता है मुझे इस काम के लिए। सो मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ब्रो स्टाइलिस्ट जेल, डीप ब्रूनेट है एक्चुअली, ये मैंने नया ख़रीदा है। एक मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, इसे मैं एंगल ब्रश पे लेके मेरे ब्रोज को फिल कर दूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्राउन है। ब्रोज को सेट कर लेंगे ग्रेट लैश मस्कारे के साथ। आईलाइनर की बारी आती है, अगर लगाना चाहते हैं तो शौक से लगाएं, पर मैं स्किप करूँगी। पर उसकी जगह मैं थोड़ा सा पाउडर के साथ लाइनर जैसे लुक क्रिएट करूँगी। उसके लिए इस पैलेट का जो सबसे डार्क शेड है, या उसको ब्लैक के साथ मिक्स करके उन दोनों को मैं थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करूँगी कि मैंने लाइनर लगाया है। बहुत ज़्यादा क्लीन हैंड्स के साथ नहीं, लाइक रफली। ऑल राइट, वंस आई एम डन, अब मैं मेरी लोअर लैशेज पे लगाने वाली हूँ दिस ब्राउन एंड दिस ब्राउन, ताकि उसको भी थोड़ा सा कलर मिल जाए ये छोटे ब्रश के साथ ही। जो डार्क है वो सिर्फ आउटर साइड पे ही लगाएंगे ज़्यादा। सो वंस आई एम डन विद दिस, मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा जो कि है लॉरियल का एयर वॉल्यूम मेगा मस्कारा। एक ही कोट लगाएंगे क्योंकि हमें लैशेज लगानी है। लोअर लैशेज पे भी ज़रूर से लगाएं। वाटर लाइन पर काजल लगा सकते हैं, पर हम स्किप करेंगे। अब बारी आती है थोड़ा सा कॉन्ट्रोल करने के लिए। सिटी ब्राउन्सर मेबलिन का यूज़ कर रही हूँ, ये वाला ब्रश है। थोड़ा सा नोज़ को कॉन्ट्रोल करेंगे हम, पाउडर के साथ कॉन्ट्रोल करना आसान है। और हमारे फेस को भी कॉन्ट्रोल कर लेंगे। सो लैशेज़ के लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल लैशेज स्टाइल पंजाब, क्योंकि पंजाब आज बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। सो पंजाब यूज़ किया जाएगा। स्मॉल लैशेज़ के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरी खुद की एक लैश लाइन है जिसका नाम है स्मॉल लैशेज़, क्योंकि मेरा नाम है स्मॉल एंड हम लोग वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है। हमारे पास 9 डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जो हमारी लैशेज़ हैं वो है हैंडमेड, फॉक्स मिंक, क्रूल्टी फ्री, ब्यूटिफुल लैशेस जिसको लगा के आपके आई लुक में 4 चांद लग जाएंगे, जो आप अभी अपनी नज़रों से देख लेंगे। अगर आप अपना पेयर सिक्योर करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लें। मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड दिस हॉलीडे सीजन वी आर एडिंग सम ब्यूटिफुल हॉलीडे कलेक्शन एज वेल। सो उसके साथ ट्यून इन करने के लिए आप न्यूज़लेटर के लिए साइन अप कर सकते हैं। सो यस, जब तक मेरा ग्लू ड्राई होता है मैं मेरे फेस मेकअप को सेट कर लेती हूँ। और मुझे चाहिए पाउडर, उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये रिमल लंदन का ट्रू मैच परफेक्शन पाउडर, जो कि हम अच्छे बड़े साइज़ के ब्रश पे लेके हमारे फेस को सेट कर लेंगे। सो आफ्टर कुछ मिनट्स के बाद हम इसे रिमूव कर देंगे। मेरे साथ बहुत बार होता है कि वैसे तो मैं अच्छा तैयार रहती हूँ, पर करवा चौथ वाले दिन इतने एनर्जी नहीं होती है तैयार होने की, तो बहुत जल्दी जल्दी मैं चीज़ें करती हूँ। ज़्यादा तो मैं टाइम वेस्ट करती रहती हूँ इधर उधर, क्या करूँ क्या करूँ। सो एंड में बहुत जल्दी जल्दी मैं तैयार होती हूँ। मैं, आपके साथ भी ऐसे होता है? राइट, सो हम हमारी लैशेज को लगा लेंगे। लैशेज को लगाने का बहुत आसान तरीके की वीडियो मेरे चैनल पर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं वो। ये जो है क्लासिक मेकअप लुक है। आप इसके साथ कोई भी लिप कॉम्बो पहने और अपने कपड़ों के साथ मैचिंग करता, किसी के साथ भी ये
जा सकती है। एंड लैशेस के बाद कितनी ब्यूटीफुल लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये जो लैशेस है बहुत ज़्यादा प्यारी है। हमारा ब्यूटीफुल सुपर इजी आई मेकअप तैयार है। अब बारी आती है लिप्स की, सो प्ले करें जैसे भी आपको अच्छा लगता है, बिकॉज ये करवा चौथ है तो रेड ज़रूरी है, सो मैं रेड लिपस्टिक लगाऊंगी। उसके लिए मैं ये लाइनर यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरे पास है, पता नहीं कौन सा है, ये निक्स आई गेस, नो वेट एंड वाइल्ड। लिप्स को लाइन किया जाएगा एंड लिप्स को फिल किया जाएगा। लिप्स को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड लिपस्टिक, शेड का नाम क्या है, मिसी एंड फियर्स। सो लिपस्टिक के बाद लगाएंगे हाइलाइटर, मेबलिन का मास्टर क्रोम मॉल्टन गोल्ड, अच्छी अमाउंट में लगाएं ताकि चमकदार बन जाए। और अपने नोज़ पे या तो छोटे ब्रश के साथ लगाएं या फिर फिंगर के साथ, ताकि ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ऑल राइट, अब मेरा फेवरेट ट्रिक, फाउंडेशन ब्रश के साथ इसको डैप डैप करेंगे ताकि अंदर चला जाए ग्लो। सो वंस आई एम डन विद मेकअप, तो आज सिंदूर भी लगा लेते हैं। यार किधर का आई डोंट नो, छोटू सा लगा लेते हैं। और बिंदी भी लगाते हैं यार आज। वैसे तो मैं बड़ी बिंदी लगाना चाहती हूँ पर मिली नहीं है, छोटी लगा लेते हैं। उत्तर बेचारी का काम हो गया, लेट मी ट्राई। और अब क्या करें, ऑलराइट, अब हम लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, पहनेंगे ज्वेलरी। क्या पहना जाए सोचते हैं, ओके समथिंग गोल्ड ही पहनेंगे। जो मैं करवा चौथ पे आउटफिट पहनना चाहती हूँ उसको सिलाई कर रही हूँ मैं, मुझे लगता है कि आज कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो, तो सबसे पहले चली जाएगी और देन मुझे लगता है कि आउटफिट की चली जाएगी, देन जाएगी किसकी, देन जाएगी करवा चौथ के व्लॉग की, तो करवा चौथ के बीतने के बाद ही जाएगी। इयर रिंग्स पहन लिए मैंने, दे आर नॉट माई काइंड, एंड अब पहनेंगे हमारा मांग टीका टेम्परेरी किस्म से। ओह मेरा सिंदूर तो छुप भी गया। ओके अब हम ये पहनेंगे चूकर, इतनी तैयारी, दुल्हन बनना है ना फिर हमें। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। मुझे लगता है कि ये जो है क्लासिक लुक है करवा चौथ के लिए, और आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी है। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, ईजी राइट, बाय, लव यू। सो मैं लेके आई हूँ दुपट्टा जो मैंने मेरे करवा चौथ के लिए बनाया है, यस मैंने खुद से बनाया है, दैट्स राइट।